मुझे भी आपने लगाना सिखानी है। हैंड पंप से हम धोएंगे पांव। नाज़िन अब हम बनाएंगे रोटी। मुझे खुद का भी बहुत इंतजार हो रहा है कि ये कब कंप्लीट होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़िन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोहा बलोच। नाज़िन आज मैं मौजूद हूँ गांव में, और गांव की ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं, गांव में क्या क्या काम होते हैं और किस तरह से काम होते हैं आज मैं खुद आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पे खाना कैसे बनता है, तंदूर पर रोटियाँ कैसे लगाई जाती हैं, काश्तकारी कैसे होती है, ये सब कुछ खुद मैं करके दिखाऊँगी। आइए चलते हैं। नाज़रीन गांव का कल्चर दिखाएं और काश्तकारी दिखाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। आइए चलते चाय काश्तकारी करते हुए दिखाते हैं किस तरह से होती है। ये कैसे लगती है हमें बताइए। ये अच्छी अच्छी लगती है। मुझे भी आपने लगाना सिखानी है, मैं भी लगाऊंगी ये ऐसे। हाँ जी। और ऐसे लग गई, वाह मैंने भी लगा ली, मजा आ रहा है। अच्छा ये कब तक, कितने टाइम के लिए लगती है? ये 6 महीने तक तैयार हो जाएगी। 6 महीने तक तैयार हो जाती है। तो आप ये कितने, मतलब सुबह से लेके कब तक काम करते हैं? 5 बजे तक। जिन एक बात है, चावल हम दुकान से या स्टोर से खरीद के बहुत आसानी से खाते हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, किस तरह से ये काश्तकार होता है सब कुछ, उस वो बहुत ही मुश्किल है। आज मैं, मुझे देख के आपको लग ही रहा होगा कि कितना मुश्किल है। नाज़रीन मैंने अभी चावलों की काश्तकारी की है, और अब मैं अपने पाँव धोऊंगी, बहुत ही गंदे हो चुके हैं, और हैंड पंप से हम धोएंगे पाँव। तो मुश्किल होता है अकेले काम करना, कितने गंदे पाँव हो रहे हैं मेरे, वैसे मज़ा आ रहा है। और इसके बाद हम जाएंगे रोटियां बनाने, रोटियां तंदूर पे बनाएंगे, किस तरह से बनेगी वो आपको मैं बना कर बताऊँगी। गांव के लोग तंदूर पे रोटियां कैसे लगाते हैं, आइए ये भी हम आपको बताते हैं किस तरह से सारा काम होता है। पहले तो हम आग जलाएंगे, ये लकड़ी डालूंगी इसके अंदर। थापी है गोबर की, ये भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तंदूर में आग लग गई है, अब हम रोटियों बनाने का सामान लेके आएंगे, आटा जिसमें सब कुछ होता है वो चीज़ अभी अब हम आपको दिखाएंगे, चले चलते हैं। नाज़िन अब हम बनाएंगे रोटी, पहले बनाते पेड़े, देखते हैं कैसे बनते हैं। आप लोगों ने बताना है कि सही बना रही हूँ कि नहीं बना रही। ये देखिए कैसा, ऐसे ही होता, सही है ना। वाह मेरी रोटी तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बन रही है। मेरी रोटी हो गई तो यार अब देखिए कैसी बनती है। इस पे अब हम तंदूर पे लगाएंगे, देखते कि तंदूर पे लगती कि नहीं। वो बहुत गर्मी है। नाज़रीन मैंने पहली रोटी तंदूर पे लगाई है, और बहुत मुश्किल है तंदूर पे रोटी लगाना बनाना। खाना तो आसान है, खाने में तो बहुत मज़े की लगती है, लेकिन बनाना बहुत मुश्किल है। अब ये बन जाएगी, मुझे लग रहा है अभी हल्की हल्की सी हुई है, अभी रहती है तो वेट करते हैं, अभी अभी रहती है। मुझे खुद का भी बहुत इंतज़ार हो रहा है कि ये कब कंप्लीट होगी। उफ़ अल्लाह, तंदूर की रोटी खाना तो बहुत आसान है, लेकिन बनती बहुत मुश्किल से, मेरे तो हाथ ही सड़ गए हैं। नाज़रीन अब हम खाना खाएंगे। नाज़रीन ट्यूबवेल में हमने नहाया, आपने देखा बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और यहाँ पे गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने खाना रखा हुआ है, और ये इन्हीं की मेहमान नवाजी है। आइए चलते खाना खाते हैं।